अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्त और सेहतमंद और खैर वाफियत के साथ रखे, इसी दुआ के साथ दोस्तों मैं जो आप लोगों की खिदमत में नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ वो गुर्दे की पथरी यानी किडनी स्टोन पर है, जिसको ये मसला हो जाता है। और जब उसके दर्द उठता है तो उससे पूछो कि उसकी जिंदगी में क्या भूचाल आ गया। इतना खतरनाक पथरी के दर्द रहता है और यहाँ तक कि कई मरीजों का तो ये बुरा हाल हो जाता है कि इंजेक्शन भी देने के बावजूद, दवाएं खाने के बावजूद भी दर्द से राहत नहीं मिलती। तो इंशाल्लाह ये जो मैं टोटका या नुस्खा बताऊंगा इससे उसको फौरी आराम मिल जाएगा। बाज औकात क्या होता है, आदमी सफर में है या कहीं दिगर जगह अपना वर्क कर रहा है या घर में मौजूद है, अस्पताल है, बंद है, डॉक्टर नहीं है, अचानक दर्द उठ गया तो अब उसको तड़पना मछली की तरह है। तो उससे राहत पाने के लिए ये आपकी पथरी इससे निकलेगी नहीं, लेकिन आपको ये महसूस होगा कि आपका दर्द जैसे है ही नहीं। वैसे पथरी अगर बड़ी है तो कोशिश करें कि कोई देसी अद्वियात है तो खा के निकाल लें उसको, और अगर जब नहीं निकलती तो ऑपरेशन से उसको निकाल दें, पाले नहीं, क्योंकि अंदर जख्म बनाती है या किडनी गुर्दे से खिसक के बाहर आया पत्थर तो पेशाब की जो नली है वहां जख्म बना सकती है, तो पेशाब के रास्ते खून भी आ सकता है। तो कोशिश किया करें, आपकी माली हालत ठीक नहीं है, जब आप पर पैसा आए तो निकलवा दें, देसी अद्वियात जो दवाएं होती हैं उनको खा के आप अपना मसला हल कर सकते हैं। वैसे भी बहुत से पथरी स्टोन गुर्दे की पथरी या पित्त की पथरी पर मैंने वीडियो डाल रखे हैं, आप उनसे देखकर अपना मकसद पूरा कर सकते हैं और अपने गुर्दे की जो या पित्त की पथरियां हैं निकाल सकते हैं। तो वो नुस्खा है क्या चीज, जिसको पित्त की जिसको गुर्दे की पथरी है या पित्त में पथरी है और वो मछली की तरह तड़प रहा है, करना कुछ नहीं। दर्द से राहत पाने के लिए, दर्द से छुटकारा पाने के लिए आपने दाएं हाथ की मिडिल उंगली, ये बीच वाली उंगली में, अनामिका उंगली जिसको बोला जाता है, बीच वाली उंगली में लोहे की अंगूठी बनवानी है, छल्ला बनवाना है और पहन लेना। जिसको पथरी का दर्द होता है अंगूठी को पहन ले तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 5 से 10 मिनट में उसका दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे था ही नहीं, जहां इंजेक्शन या दवाएं काम नहीं की, ये आपके लोहे का काम कर जाएगा। सिर्फ ये याद रखना है, दाया हाथ की मिडिल यानी अनामिका बीच वाली उंगली में वो छल्ले को या अंगूठी को पहनना है, तो इंशाल्लाह आपका जो दर्द है पथरी का वो गायब हो जाएगा। आप चाहें तो जब तक आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, माली हालत ठीक नहीं, तब तक पहने आपका पथरी का दर्द नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा आज का नुस्खा है, मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफ।